बर्रा किदवई नगर और नौबस्ता थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने दो लुटेरों को किया गिरफ्तार। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने दो लुटेरों को लूट के माल के साथ गिरफ्तार किया। लुटेरे लंबे समय से कानपुर दक्षिण में महिलाओं से लूट की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। लुटेरों के पास से पुलिस टीम ने पीली धातु की चेन, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। लुटेरों की पहचान एहतेशाम और शुभम सोनकर के रूप में हुई है। पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ शहर में पूर्व में भी एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से साउथ जोन के अन्य कई थानों में चेन स्नैचिंग की काफ़ी वारदातें हुई थी, जिसमें कि एसीपी नौबस्ता के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। इसमें आज थाना बर्रा, थाना किदवई नगर और साउथ जोन की सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम को सफलता मिल गई है। इन्होंने दो चेन स्नैचर्स, एक का नाम एहतशाम और दूसरे का नाम शुभम सोनकर है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से स्नैच की गई तीन चेन बरामद हुई है और घटना में प्रयुक्त होने वाली अपाचे बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। वो अपाचे बाइक गुजैनी से, थाना गुजैनी क्षेत्र से चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा थाना गुजैनी में पंजीकृत है। इस टीम को सीपी सर ने 50,000 का इनाम देने की घोषणा की है। जी, ये दोनों काकादेव में रहते थे, साथी में रहते थे और इससे पहले भी कई बार ये लोग जेल जा चुके हैं। इनका पूरा आपराधिक इतिहास पुलिस ने निकाल लिया है। इससे पहले भी कई बार स्नैचिंग के मामलों में ये दोनों जेल गए हैं। जी, इस बारे में हम आगे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे इस बारे में और डिटेल्स पता चलेगी, आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में और भी लोग जो इस गैंग में शामिल हो सकते हैं, उन सब पे आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही सारी डिटेल्स मिलेगी, आप लोग के साथ साझा कर दी जाएगी। जो भी इनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, वो ये लूट के सामान से ही पूरा करते थे। इससे पहले भी कई बार ये लोग जेल जा चुके हैं। ये लोग अभ्यस्त अपराधी हैं और यही इनका जीविका उपार्जन है। इस पूरे मामले में अभी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही और डिटेल्स पता चलेंगी, आप सबको बता दिया जाएगा।